तो मेरा ये क्वेश्चन है, आपको कैसे लोगों के साथ बिजनेस करना या बात करना पसंद है, जो फ्री माइंड से है, स्माइलिंग है, रिलैक्स है, या फिर जिनके बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा है कंटिन्यूअसली? ओके, सो क्या आपको पता लगता है कौन रिलैक्स है एंड इसकी पूरी अटेंशन आपकी तरफ है, या बैक ऑफ द माइंड को ये भी सोच रहा है कि मुझे इससे ये बात करनी है, अभी एक हिसाब पूरा करना है, अभी मुझे किसी को फॉलो अप करना है, या मेरा कहीं से पेमेंट आना है, पता लगता है ना कि फुल अटेंशन नहीं है, थोड़ा सा टेंस है माहौल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बिजनेस पीपल एंड फॉर ऑल द प्रोसीजर्स. हम सबने अपने बिजनेस के कुछ ना कुछ रूल्स रखे होंगे ना. आपका क्या रूल है बिजनेस का? एक रूल कोई भी, कुछ भी एक रूल, एनी काइंड ऑफ, कुछ चीज आप रिलीजियसली फॉलो करते हो? जो हम सबको एक बैकएंड पे होता है हमारे माइंड में कि अगर ये होगा तो इसका कॉन्सिक्यूटिव रिजल्ट है. सो हर चीज, हर बिजनेस का, हर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, अगर हम वो फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली विल बी मोर डिसिप्लिन. यस और नो? यस. विल गेट मोर बेनिफिट्स? यस. लाउडर रिस्पांस. यस. एनर्जी. सो ऐसा, और अगर रैंडमली उठे, जैसे मेरे बच्चे भी पढ़ाई करते हैं, तो एक रूल मैंने बनाया है कि इतना घंटे तो रोज पढ़ाई करना है, वो आपके ऊपर आप कभी भी कर. बट अगर रैंडमली कभी होता है कि किसी भी एग्जाम से पहले वो नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ ना हम अपने हिसाब से करते रहेंगे, क्या होता है एग्जाम पे प्रेशर आता है, तब उन्हें लगता है यार ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है. जहाँ पे वो रूल फॉलो करके अपना रोज का वो 1 आवर डिवोट करते हैं, वो एग्जाम बहुत स्मूथ होता है, लाइफ गोज स्मूथ. सो इसी से रिलेटेड मेरी आज की ये एक नॉलेज शेयरिंग है. नेक्स्ट स्लाइड. आई गॉट जस्ट वन स्लाइड. व्हाई आर क्वार्टरली वैल्यू पेमेंट्स इंश्योर सक्सेस? बहुत छोटी सिंपल सी बात है, कमिटमेंट एंड प्लानिंग. जब हम अपने वैल्यू पेमेंट, हमारा प्रगति का एक रूल है कि हमें क्वार्टरली वैल्यू पेमेंट करनी है, अपार्ट फ्रॉम आर ईयरली जो हमारा यहाँ की फी है, उसके अलावा हमें क्योंकि हमारा यह कमिट है, वी हैव टू डू प्लानिंग ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग. हम आज ही, अभी से ही हमारी नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग ऑलरेडी ऑन है, प्लस एडवांस. व्हाट इज लाइक टू गेट द पेमेंट्स एडवांस? आप लोग को भी अपने बिजनेस में अगर एडवांस मिलता है तो अच्छा ही लगता है ना. प्लस इन होटल से हमारा कोई पर्सनल कनेक्ट नहीं है, वी हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल विद देम. इंक्रीज इन अटेंडेंस. वंस वी हैव ऑलरेडी पेड, इट इंश्योर्स ही मोर पीपल कम. जितने लोग आएंगे, जितना इंटरेक्शन होगा, जितने हमारे रेफरेंसेस एक्सचेंज होंगे, दैट्स बेटर फॉर अस. नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज अगेन, एज आई कवर्ड, कि लार्जर कंसिस्टेंट अटेंडेंस इनेबल्स बेटर नेटवर्किंग. एंड अगर आप नहीं भी आ रहे हैं, यू विल मेक श्योर, बिकॉज यू हैव मेड अ पेमेंट, कि आप अपना बैकअप भेजें. आपका आप बैकअप में किसी को भी भेजें, दैट पर्सन विल ऑल्सो सी व्हाट द बिजनेस इज, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो चाहे नॉन एम्प्लॉय हो, समवन एल्स कैन स्टैंड इन योर प्लेस. देन कॉस्ट एफिशिएंसी. समटाइम्स व्हेन वी आर कंसिस्टेंटली पेइंग इन एडवांस टू द होटल विदाउट देयर फॉलो अप, तो क्या होता है कि हमें बेटर डील्स भी मिलने की चांसेस हैं. प्लस वो रश नहीं रहता कि अरे ये हॉल पहले किसी और ने बुक करा लिया, वो हॉल किसी और ने बुक करा लिया, हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस ऑन द कोर एक्टिविटीज, ये हमारे लॉजिस्टिक्स हैं. अगर हमने इसको स्मूथली हैंडल कर लिया, तो हम ऑलरेडी वी आर टेकिंग केयर ऑफ द अदर थिंग्स. जो मैनेजमेंट की अटेंशन है ना, वो बाकी थिंग को ग्रो करने पर लग जाएगी, ना कि सिर्फ फॉलो अप पे रह जाएगी. लास्ट, स्टेबल ग्रोथ. When we are a very well disciplined group, we attract same kind of crowd. We look on the outside to people like a very well organized group. हमारे पास examples होंगे सबके पास कि इस ये वाला group बहुत smoothly चलता है, बड़े strictly चलते हैं, and everyone follows the rules. We look good in everyone eyes, and जो हमारे visitor आएंगे वो भी उसी तरह के आएंगे, और जो आगे हमारी growth होगी वो भी consistent रहेगी. So please ensure that we all follow this. And I'm done with this. Just one last thing. ये मेरा अपना spirituality का experience है. जब भी हम पैसों के लिए
या किसी भी चीज के लिए फॉलो हमें करवाते हैं, हमारे साथ भी कहीं ना कहीं से वो सर्कल पूरा होता है। सो लाइफ अपना सर्कल पूरा करती है। आप किसी से फॉलो करवा रहे हैं, आपके क्लाइंट आपसे करवाए। एंड मनी इज एन एनर्जी, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। जब आप पैसे किसी को देने से ड्यू है, मेक श्योर यू डू इट एएसपी। आपके ड्यू भगवान आपके पास पहुंचा देगा। एंड व्हेन यू गिव बी थैंकफुल, सिर्फ रिसीविंग में थैंकफुल नहीं होना है, व्हेन यू गिव आल्सो बी थैंकफुल फॉर ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट दैट मनी हैज गिवन यू एंड नाउ व्होएवर दैट मनी विल गो। सो इट्स अ गिव एंड टेक ऑफ एनर्जीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसिप्लिन। एंड आई थिंक हम तो बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट है, वी विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।